मांझी के द्वारा जो तोड़ा गया था पहाड़, वहाँ पे जो है हर जगह पे पहाड़ दिखेगा। यही रास्तों को तोड़कर माउंटेन मांझी ने जो है पहाड़ को रास्ता में कन्वर्ट किया था। गया है उसका एंट्री गेट है लेगा, जो कि काफी ऊपर चला गया है, काफी ज्यादा है। ताजमहल के बाद अगर बात करें तो ये वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो है मांझी के द्वारा जो तोड़ा गया था पहाड़ वहाँ पे, और माउंटेन मांझी का जो पहाड़ है वहाँ पे पहुँचे। और अभी हम लोग से कुछ दूरी पे आपको देखने के लिए मिलेगा, बट उससे कुछ दूरी से हम लोग हैं जहाँ पे आपको यहाँ का जो व्यू है वो पहले शेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे माउंटेन मांझी के पहाड़ के पास जहाँ पे उन्होंने जो है तोड़कर रास्ता बनाया था। उस रोड को दिखाएंगे जिसको हम गहलोर घाट के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ के रास्तों को दिखाएंगे। पर उसको दिखाने से पहले इस नज़ारे को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस ये नज़ारा जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको ये। तो गाइस जी यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर गौर करें तो यहाँ पे भी आपको जो है हर जगह पे पहाड़ दिखेगा। ये साइड में आप देख लिए, अगर ये साइड पे देखें तो यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे पहाड़ 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 और पहाड़ ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो जो इस जगह पर हम अभी खड़ी हैं इसके चारों तरफ अगर गौर से देखें तो पहाड़ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारा गहलोर घाट यानी कि माउंटेन मांझी के द्वारा जो तोड़ा गया है रास्ता, वो ये वाला रास्ता है। ये आपको जो दिख रहा है यही रास्तों को तोड़कर माउंटेन मांझी ने जो है पहाड़ को रास्ता में कन्वर्ट किया था, और यहीं पे हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे ये रास्ता अब कैसा दिख रहा है। और यहाँ से हम लोग जो है माउंटेन मैन के जो द्वारा जो पहाड़ जो तोड़ा गया था मांझी के द्वारा, उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए जो पहाड़ है उसके हम नज़दीक जा रहे हैं, और जाते जाते आपको दिखाते चलेंगे कि वहाँ का जो लुक है वो कैसा है। और ये चूँकि टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी रुक रुक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग तो धीरे धीरे नज़दीक पहुँच रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। मांझी का जिस द्वारा जो पहाड़ तोड़ा गया है उसका एंट्री गेट है, और अगर इसके लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे ये साइड में तो आप बजीरगंज की तरफ जा पाएंगे, और सामने उस तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं। और इसके अंदर जब आप एंट्री मारते हैं तो यहाँ से इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा गाइज। और गाइज देखिए ऊपर में लोग जाते हैं, ऊपर में भी काफ़ी दूर दूर तक लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। वो देखिए काफ़ी छोटा छोटा जो है दिखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ऊपर चला गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से जो है लुक वाइज दोनों तरफ का रास्ता पहाड़ और पहाड़ के बीच में जो पतला सा जो है रास्ता आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंगल रास्ता ही है, आपको यहाँ पर डबल रास्ता नहीं मिलने वाला है, बट ये जो है एक मिसाल है प्यार का। तो ये मिसाल जो साबित हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ताजमहल के बाद अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ताजमहल में पहाड़ नहीं तोड़ा गया था, बट इसमें पहाड़ तोड़कर कोई एक इंसान किसी के प्यार में इतने बड़े पहाड़ को इस तरह तोड़कर और इस तरह का जब रास्ता बना दे तो आप समझ सकते हैं उसके प्यार को। तो ये है माउंटेन मांझी का पहाड़, और यहाँ पे सेल्फी का जो है देखिए कितना ज़बरदस्त क्रेज है, लोग यहाँ पे रुक रुक कर सेल्फी लेते हैं इस पहाड़ के आज। और इससे पहले ही गाइज यहाँ पे किसी तरह का कोई सेल्फी नहीं हुआ करता, जब किसी कोई एक इंसान यहाँ पे मेहनत करता रहा था तो उसमें लोग नहीं देखते थे। और आज यहाँ पे देखिए किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम और भी आगे चलेंगे और दिखाएँगे। और गाइज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है, और अगर हम पैदल चलकर दिखाएं तो यहाँ पे ये पहाड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस साइड से किस तरह का लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा हर जगह पर सेल्फी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अपने गाड़ी को रोक रोक कर जो है सेल्फी लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो चलिए और भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं आपको हम। और अगर गाइज इस साइड से अगर लुक दिखाएँ तो ये साइड से अगर लुक देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का लुक देखने के लिए मिल रहा होगा। आप देखिए इस तरह से जो है इस पहाड़ का जो लुक है वो देखिए कितना गजब का देखने के लिए मिलता है। और इसी के जस्ट अगर हम ये साइड में अगर कर दें इसको तो ये साइड का जो लुक है वो भी
कितना गजब का आपको देखने के लिए मिलता है, और ये दो पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना कम देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी चारों तरफ का अगर लुक है तो वो ये इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये गांव, और इस गांव को कनेक्ट करने के लिए जो बाज़ार था वो नहीं था, इसके लिए आपको काफ़ी दूर तक जो है ट्रेवलिंग करके आना पड़ता था, जिसके कारण जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बट अब जो है इसके बन जाने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गया है, और काफ़ी परेशानियों से जो सामना करना पड़ता था वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो यही है आज का अपडेट। तो गाइस, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।